नमस्ते, मैं भारती। मेरे भारत के किचन में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं दो तरीके की मिठाई, जिसे आप कोई भी त्योहार पर बनाकर खा सकते हैं। तो आइए ये रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, त्योहार स्पेशल मिठाई बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आज हम कुछ यूनिक स्टाइल मिठाई बनाएंगे और आप इसे महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपका मीठा खाने का मन हो तब आप चाशनी बना के खा सकते हैं। मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे हम 1.5 कप जितना मैदे का इस्तेमाल करेंगे। चाशनी बनाने के लिए 1 कप जितनी चीनी ले ली है। 1/4 कप यहाँ पे मैंने देसी घी ले लिया है, आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 इलायची ले ली है चाशनी के लिए, आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। अब मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें 1.5 कप जितना मैदा डाल देंगे। मैदा यहाँ पर मैंने बाउल में डाल दिया है। अब 4 चम्मच जितना देसी घी डाल देंगे। घी डालने के बाद मैदे और घी को हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे के आटे में यहाँ पर हमारा मोन देखिए अच्छे से लग चुका है। अब हम मिठाई के लिए इसका आटा तैयार कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका मीडियम डो बांध लेंगे। यहाँ पे हमारा डो लग कर तैयार है। देखिए इस तरह से हमें मीडियम डो बांधना है। इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसको हाथ की सहायता से मसल लेंगे। मिठाई के लिए यहाँ पर हमारा आटा लग कर तैयार है। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। अब मिठाई की लेयर बनाने के लिए सबसे पहले उसका मिश्रण बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ले ली है, इसमें 2 चम्मच जितना मैदा डाल देंगे। अब ये 2 चम्मच भी डाल देंगे। मैदा डालने के बाद इसमें 3 चम्मच जितना घी भी डाल देंगे। अब इस मिश्रण को हम चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। हमें इस मिश्रण को अच्छे से मिला लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो हमारा यहाँ पे लेयर के लिए मिश्रण बनकर तैयार है। तो चलिए हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं। अब मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले एक लोई ले लेंगे, उसे मैदे में डस्टिंग कर लेंगे। अब डस्टिंग करने के बाद इसे हम रोटी के आकार में बेल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मिठाई के लिए एक रोटी की लेयर बनकर तैयार है। इसे हम प्लेट में रख देंगे। अब बाकी की 4 लेयर भी इस तरह से ही बना लेंगे। ये हमारी दूसरी लेयर भी बनकर तैयार है, अब प्लेट में रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी तीसरी लेयर भी बनकर तैयार है। हमारी यहाँ पे मिठाई के लिए 5 लेयर बनकर तैयार है। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। अब जो हमने घी और मैदे का मिश्रण बनाया था वो रोटी के ऊपर लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने रोटी में 1/2 चम्मच मिश्रण लगा लिया है। अब इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 रोटी में मिश्रण लगा लिया है। अब इसके ऊपर 2री रोटी रख देंगे। अब इसके ऊपर भी इस तरह से घी का मिश्रण लगा लेंगे और इसे भी इस तरह से हाथ की सहायता से फैला लेंगे। आप चाहें तो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे मैं हाथ से लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर 3री लेयर भी रख देंगे। अब इसके ऊपर भी मिश्रण लगा लेंगे। अब 4थी और 5वीं लेयर में भी इस तरह से ही लगा लेंगे। घी और मैदे का मिश्रण सारी रोटियों में अच्छे से लग चुका है। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मैदे की रोटियों को यहाँ पर मैंने अच्छे से रोल कर लिया है। अब चाकू की सहायता से इन्हें काट लेंगे और यहाँ पर मैंने चाकू में घी लगा लिया है ताकि हमारा चाकू चिपके नहीं।
सारे रोल्स को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब इसे हम हाथ की सहायता से हल्का प्रेस कर लेंगे। देखिए हमें इस तरह से उंगली की सहायता से हल्का सा प्रेस कर लेना है। अब इसे हम प्लेट में रख देंगे और बाकी के सारे रोल्स को भी इस तरह से ही प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक मिठाई की डिजाइन बनाकर तैयार कर ली है, तो चलिए अब हम दूसरी मिठाई की डिजाइन बना लेते हैं। अब दूसरी डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लोई को डस्टिंग करके ले लेंगे। अब इसे हम गोल आकार में बेल लेंगे। मैंने यहाँ पे इसको पूरी के आकार में बेल लिया है। अब इसे हम कटोरी की सहायता से इसे कट कर लेंगे और जो साइड के कॉर्नर से इसे हटा लेंगे। अब इसे हम पिज्जा कटर की सहायता से चार भाग में कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। अब फिर से इसे आधा कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे चार भाग अच्छे से कट हो चुके हैं। तो पूरी को यहाँ पर मैंने चार भाग में अच्छे से काट लिया है। अब इसकी डिजाइन बना लेंगे। अब डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले पहला वाला पीस ले लेंगे। अब इसके बीच में थोड़ा सा मिश्रण लगा लेंगे और इसे हम नाव की शेप में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब बाकी के भी इस तरह से ही बना लेंगे। यहाँ पे मैंने मिश्रण लगा लिया। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। चारों भागों को यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। देखिए हम इस तरह से डिजाइन कर लेंगे। आपके घर में जो स्टिक हो या लकड़ी हो आप वो ले सकते हैं। इसे यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है, आप देख सकते हैं, और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी डिजाइन बनकर तैयार हुई है। इसे हम बाकी का पोर्शन इस तरह से चिपका लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दूसरी अलग डिजाइन बनकर तैयार है। बाकी की भी इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दो अलग डिजाइन बनकर तैयार है। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। अब मिठाई के लिए सबसे पहले हम चाशनी की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले कढ़ाई में एक कप जितनी चीनी डाल देंगे। अब इसमें एक गिलास जितना पानी भी डाल देंगे। चाशनी को अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें इलायची भी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो डालें या तो ना डालें। आप चाहे तो इसके बदले केसर के पत्ते भी डाल सकते हैं। चाशनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चाशनी को हम गाढ़ा होने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। तब तक हम इसे दूसरी गैस पे ट्रांसफर कर लेंगे। जब तक हमारी चाशनी उधर अच्छे से गाढ़ी हो रही है तब तक हम मिठाई को यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मिठाई को फ्राई कर लेंगे। मिठाई को फ्राई करते टाइम पे हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे ताकि हमारी मिठाई अंदर से भी खस्ता बने। सारी मिठाई को हम पलट देंगे। सारी मिठाई को यहाँ पर मैंने पलट दिया है। अब इसे हम गोल्डन क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
यहाँ पर हमारी सारी मिठाई खस्ता फ्राई होकर तैयार है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मिठाई कितनी परफेक्ट तरीके से फ्राई हुई है। बाकी की भी मिठाई इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इस मिठाई को हम पलट देंगे। अब ये वाली मिठाई को भी हम गोल्डन क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये वाली भी मिठाई हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसे भी निकाल देंगे। यहाँ पर जो हमने चाशनी साइड में रख दी थी वो भी हमारी चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो चलिए मिठाई को सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मिठाई को प्लेट में सर्व कर लिया है। अब इसके ऊपर चाशनी भी डाल देंगे। चाशनी को यहाँ पर मैंने मिठाई के ऊपर डाल दिया है और आप देख सकते हैं हमारी मिठाई कितनी शानदार बनी है। अगर आपको मेरी ये मिठाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो भारत भारती किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।